सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:20 और हम लोग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हम लोग अभी हमारे जो साथ मेरे सिस्टर इन लॉ है उनका वेट कर रहे हैं। और हम लोग 3 बजे निकल चुके थे और 20 मिनट्स में हम लोग नवी मुंबई से यहाँ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और अभी जो है हम लोग इन लोग का वेट करेंगे और उसके बाद की आगे की प्रोसीजर करते हैं। मेरे साथ है रेवन। तो रेवन आप एक्साइटेड हो? हाँ, काफी एक्साइटेड है कि यहाँ पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी काफी बड़ा और काफी बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत कॉस्टली है, बट देखने के लिए तो इंटरनेशनल चीज पे हर चीज कॉस्टली ही होता है। इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वी कांट गेट द प्रॉपर रेट इन द एयरपोर्ट। You have to do it from the outside to get the proper good rate to exchange your currency in the Indian to Mauritian country. So it's okay. We will do that in the Mauritius, in that money exchange part. And we are very excited to go in the Mauritius, and we'll see you in the Mauritius, and we keep with us. See you in Mauritius. तो ये था रेवन जी का स्पीच जो कि बहुत अच्छे से समझाते रहते हैं। सो गाइस, अभी जस्ट हम लोग ने चेक इन किया है और ये है हमारे बोर्डिंग पास। अभी सिर्फ सिक्योरिटी चेक बचा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे यानी एयरपोर्ट पे ही हम लोग मनी एक्सचेंज करवा रहे हैं क्योंकि मॉरिशियस का करेंसी में हमको मनी एक्सचेंज करना पड़ेगा। और मेरे साथ में है अवनी। अवनी हाय बोलो। हाय। अवनी आप कहाँ जा रहे हो? मॉरिशियस। मॉरिशियस जा रही है। तो आप एक्साइटेड हो मॉरिशियस घूमने? यस। तो अभी बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम लोग ने सिक्योरिटी चेक किया और उसके बाद में इमिग्रेशन हुआ। तो अभी सब हम लोग का क्लियर हो चुका है और जस्ट अभी हम लोग को फ्लाइट में बोर्ड करना है। और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है तो सोचा थोड़ा एयरपोर्ट घूम लेते हैं। सो बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है और चीज़ें थोड़ी कॉस्टली है यहाँ पे, तो बाकी ओवरऑल तो बहुत सुंदर है। These are the four people traveling with us. They are showing the body. Muscular man with too much heavy stomach. Still maintained. Avani, smile. I feel again, oh now. We're picking up where we left off and on again. We never quite could forget, 'cause what we got so intense. I feel it again.
6:15 को हमारा बोर्डिंग है, तो हम लोग अभी कम से कम 45 मिनट्स हो गए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 3 बजे ही आ गए थे, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो हम लोग जो भी प्रोसेस होता है इनका, इमिग्रेशन ये लास्ट प्रोसेस होता है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर ही, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मुंबई का, ये बहुत सुंदर है, तो हम लोग को हम 1 घंटा इधर ऐसा थोड़ा सा घूम रहे थे और बहुत अच्छा है। अब घूम घूम के बहुत थक गए, क्योंकि नींद भी प्रॉपर नहीं हुई है और कल भी बहुत सारा यानी हेक्टिक वर्क था कल। सो क्या हुआ रेवन, आ जाओ रेवन, क्यों छुप रहे हो आप? बस ऐसे ही, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। हाँ तो थके हैं, तो जो भी एक्साइटमेंट लेवल था पहले वो बहुत ज़्यादा था, अब जब पूरी प्रोसेस हो चुकी तब ऐसा लग रहा है कि कब कब हम लोग फ्लाइट में बैठ के आराम करें, सो हम उसी का वेट कर रहे हैं। बट अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने की है, बहुत टाइम है, और अभी बज रहा है 5:58 हो गया है, तो अभी और 15 मिनट्स बाकी है, तो वेट करते हैं। और तब तक के क्या है, बस मोबाइल वगैरह थोड़ा सा इचक पिचक चल रहा है हम लोग का, इचक पिचक। और क्या बोले, टीवी चल रही है, भाभी जी घर पे हैं, तो अंगूरी भाभी का एपिसोड चल रहा है तो देख रहे हैं वो, और नींद नहीं होने की वजह से प्रॉपर थोड़ा सा उतना फ्रेश फील नहीं हो रहा है धीरे धीरे। जब घर से निकले थे तब बहुत एक्साइटेड थे, ऐसा लग रहा था नहीं भी सोएंगे तो भी चलेगा, बट अब धीरे धीरे थोड़ा सा डलनेस आ रहा है। और मैंने इस टाइम पे कोई मेकअप नहीं किया है, जस्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके और लिपस्टिक शुगर का लगाया है मैंने पिंक शेड में, जो कि मेरा फेवरेट है। सो मैं कैसी दिख रही हूँ, प्लीज़ मुझे इस लुक में बताना, शायद आवाज़ इतना दूर नहीं जाएगा रेवन, तो मैं इस लुक में कैसे दिख रही हूँ आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये मोस्ट अवेटेड ट्रिप था हम लोग का, बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, शायद रेवन का भी है ना? यस फर्स्ट। हाँ, इसलिए एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा है। आप क्या बोलना चाहोगे इस ट्रिप के बारे में? अभी 7 डेज का ट्रिप है, देखते हैं 7 डेज कैसे जाते हैं, और शायद अच्छे ही जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा जो हम लोग ने ट्रिप प्लान किया है, बहुत अच्छे किससे हम लोग ने प्लान किया था, ये ट्रैवल ट्रायंगल से हम लोग ने जो ट्रैवलर एजेंसी होती है वहाँ से हमने ये पूरा पैकेज बुक किया है, तो शायद अच्छा ही होगा। इनकी सर्विस मैं पहले खुद एक्सपीरियंस कर लूँ और उसके बाद मैं आपको इनके बारे में बताऊँगी कि ये ट्रैवल ट्रायंगल एजेंसी किस तरीके की अच्छी सर्विस देती है या नहीं, तो मैं इसके बारे में भी आपके साथ में पूरा एक वीडियो अलग से बना के डिस्कस जरूर करूँगी, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कभी आप प्लान बनाते हो तो आप इस ट्रैवलर एजेंसी का क्या रेफरेंस ले सकते हो। कुछ कुछ वर्ड्स मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि इधर उधर सब देखते रहते हैं, कैमरा यानी पता नहीं क्या लगता है सबको, सब देखते रहते हैं। 10-15 मिनट और मिलते हैं अभी हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट में। Can run from what I feel inside. There's no more time.